ये स्पेशली आपके लिए लिया था। अच्छा कलर है ना? हाँ ये है अम्मा का। अच्छा है, देखो खोल के देखो। अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया कलर ये है आपका। अच्छा कलर भी नहीं हमारा, कलर भी अच्छा। पक्का? हाँ, यहाँ ना वहाँ मेरे दुपट्टा के वाला का है ना, मुलायम दुपट्टा भी। अच्छा एक नाजा खाला के लिए लिया था तो उनको पहुँचा देना, ठीक है जब जाएंगे। नाजा खाला, नाजा खाला को। हाँ अच्छा कलर भी अच्छा है ना। मुझे भाई सबको दे रहा है हाथ से। अच्छा आप लोग पहले से डिसाइड करके लाए? एक-एक डिसाइड किया। इस बार देने में कितना लेट हो गए हम लोग, इस बार देने में कितना लेट हो गए। नहीं सही है ना, आराम से। हाँ अच्छा कलर है, सबके कलर तो बड़े। तुम भी दिखाओ बेटी, खोलो। और मम्मी है कैसा है? मम्मी भी सेम ऐसा ही है और पिस्ता ग्रीन कलर। फाइनली काफी सालों के बाद दीपिका शिव इब्राहिम बन चुके हैं पेरेंट्स। अब फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि पेरेंट्स बनने की खुशी में दीपिका शिव इब्राहिम अपनी फैमिली को क्या देने वाले हैं। आपने देखा होगा हमेशा दीपिका शिव इब्राहिम दिल खोलकर अपनी फैमिली को गिफ्ट देते हैं, और यही नहीं वो नाजा खाला, नानी हो या कोई भी हो रिश्तेदार, सबको वो दिल खोलकर ही गिफ्ट देते हैं। काफ़ी ऐसे हेटर्स हैं जिनको ये स्टाइल दीपिका शिव इब्राहिम का पसंद नहीं आता। उनका कहना है कि ये दोनों दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा दीपिका शिव इब्राहिम व्लॉग बनाते हैं, चाहे सभा हो, वो जो भी व्लॉग बनाते हैं वो अपने परिवार से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड ही व्लॉग बनाते हैं। तो ज़िंदगी में क्या उनके गुजर रहा है वो सब अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। फैमिली को वो क्या दे रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है, वो सब अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट्स में लाजमी बताएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।